वो प्रदेश जहां एक महीने से हालात काफी खराब चल रहे हैं, वो प्रदेश जहां लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जहां एक महीने से लगातार बारिश और लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव देखने को मिला। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं इमारतें गिरने, कहीं लैंडस्लाइड की तो कहीं बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। इन दुर्घटनाओं में किसी का घर छिन गया तो किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। हिमाचल प्रदेश में संकट थमने का नाम नहीं ले। हिमाचल में हर जगह से आ रही भयावह तस्वीरें भूस्खलन की तबाही का मंजर बयां कर रही है। एक के बाद एक तमाम घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे हैं। देवभूमि ने यह मंजर और दर्द एक महीने में तीसरी बार महसूस किया। जल प्रलय के बाद भूस्खलन की आफत से पूरे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कों पर यातायात ठप हो गए हैं। इनमें शिमला चंडीगढ़ और चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी शामिल है। पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वही 24 जून से अब तक 361 मौतें हो चुकी। कुल्लू जिले में बीते दिन हुई बारिश की वजह से 8 इमारतें धराशाही हो गई। ये वह इमारतें हैं जिनमें गहरी दरार आने के बाद इन्हें खाली करा लिया गया था। वहीं जिले खोलनाला गांव में बादल फटने से 51 लोग फंस गए। 14वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने बादल फटने से घटना स्थल पर फंसे 51 लोगों को बाहर निकाल लिया। हालांकि अभी भी हिमाचल में मौत के आंकड़े निर्धारित नहीं किए गए। हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए। कुछ जगहों पर अभी भी लैंडस्लाइड का दौर जारी है। हम दुआ करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।